हिंदी विषय की एमसीक्यू की रिवीजन सीरीज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम निराला जी की दो कविताएं जो उत्साह और अट नहीं रही हैं, उनके जो एमसीक्यूज हैं आज उनकी हम रिवीजन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी के जो लेसन्स हैं उनकी भी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। निराला जी के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या था? आपके ऑप्शन है गरीब होना, बीमार पड़ना, समाज द्वारा ठुकराया जाना, पत्नी तथा बेटा बेटी की मृत्यु। तो इसका उत्तर है पत्नी तथा बेटा बेटी की मृत्यु, यानी बहुत कम समय में ही उनके जो घर के अंदर कई सदस्यों की मृत्यु हो गई थी और यही निराला जी का सबसे बड़ा दुख का कारण था। उत्साह किस प्रकार का गीत है? आपके ऑप्शन है प्रेम, आह्वान, विरह और उत्साह। तो जो है उत्साह कविता है वो एक आह्वान गीत है। अगला प्रश्न है, उत्साह नामक कविता में बादलों में क्या छुपा हुआ है? आपके ऑप्शन है गर्जन, वज्र, जल और कालापन। तो उत्साह कविता में बादलों में वज्र छिपा हुआ है, वज्र हुंकार छिपी हुई है। अगला प्रश्न है, कवि ने बादल को किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया है? ऑप्शन है संदेशवाहक, सैनिक, क्रांतिकारी पुरुष और स्वार्थी व्यक्ति के रूप में। आपका जो सही उत्तर है वो है क्रांतिकारी पुरुष के रूप में। वज्र किसके हृदय में छिपा रहता है? इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसके ऑप्शन है बादल, सूर्य, पवन और आकाश। तो वज्र जो है बादल के हृदय में छुपा रहता है, यानी जब बादल गरजता है, बिजली चमकती है तो वो वज्र हुंकार जैसी होती है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल से किसको शीतल करने की बात की गई है? उत्तर है आपके ऑप्शन है विकलजन, विद्युत, तप्त धरा और जीवन। तो यहाँ पर जो विकलजन है उनको शीतल करने की बात की गई है। विकलजन ये जो व्याकुल जन है, यानी अन्याय के कारण जो जो सामान्य जन है वो व्याकुल हो रहे हैं और जो बादल क्रांति के रूप में आएंगे और उनको शीतल करेंगे। तो उत्तर है विकलजन। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में के कवि का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो आप सभी को पता है कि इस अट नहीं रही कविता के जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास की मादकता का वर्णन किया गया है? मास से मतलब यहाँ पर महीने से है, फागुन मास की, सावन मास की, कार्तिक मास की, आषाढ़ मास की। तो जो मादकता है वो फागुन मास की है। तो इस कविता में जो फागुन मास की जो सुंदरता है वो अट नहीं रही है, ऐसा वर्णन किया गया। तो फागुन मास इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसकी आभा अट नहीं रही है? तो यहाँ आपके ऑप्शन है धूप, फागुन, बसंत और हवा, यानी फागुन ये सही आंसर है, यानी फागुन की जो आभा है अट नहीं रही है। और वही शब्द आ गया दोबारा, अट शब्द से तात्पर्य क्या है? नष्ट, अटकना, प्रविष्ट, अटना। तो यहां पर प्रविष्ट होना, अट शब्द का अर्थ है प्रविष्ट होना। अट नहीं रही है नामक कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? आभा, जाला, रोशनी, आंख। यानी इसका सही आंसर है आंख, यानी इतनी सुंदरता है फागुन की कि हमारे जो आंख है वो हटाने से भी हट नहीं रही है। तो यहां सही आंसर है आंख। अगला प्रश्न है, फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? वर्षा, बसंत, ग्रीष्म और सर्दी। तो फागुन मास में बसंत की ऋतु होती है, इसलिए फागुन मास में मादकता होती है। तो सही आंसर है बसंत। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? तो आपके ऑप्शन है बादल, सूर्य, पवन और वर्षा।
तो यहाँ उत्साह कविता में कवि ने बादल को आह्वान किया गया है, इसलिए उत्साह कविता एक आह्वान गीत भी है, आह्वान कविता भी है, जिसमें बादल का आह्वान किया गया है कि वो आए और क्रांति द्वारा जो आम जन को शांति शीतलता प्रदान करे। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात की गई है? पश्चिम, अज्ञात, पूर्व और ज्ञात। तो यहां पर जो है, जो बादल के आने की जो बात की गई है, घन के आने की जो बात की है, वो अज्ञात दिशा से की है कि जो बादल को आह्वान किया गया कि आप अज्ञात दिशा से आ जाए या किसी भी दिशा से आए, अज्ञात इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? बालकों की, सैनिक की, कवि की, व्यापारी की। तो सही आंसर है बालकों की, कि बाल कल्पना कैसे पाले, यानी बालकों की कल्पना जैसे जो बादल की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व के निदाग के सकल जन, यहां सकल का क्या अर्थ है? सुंदर, सब, अच्छे, दुष्ट। तो यहां पर जो सकल जन यानी सभी जन, यानी इसका जो आंसर है वो है सब, सकल का अर्थ है सब। अगला प्रश्न है, विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? आपके ऑप्शन है, भूख के कारण, प्रियजनों से दूर जाने के कारण, बीमारी के कारण, भयंकर गर्मी के कारण। तो यहां पर विश्व जो भयंकर गर्मी के कारण इसका सही आंसर है, इसलिए वो बादल को आह्वान करता कि आप वर्षा के कारण वर्षा कीजिए और इन सभी जो विकल जन है उनको शीतलता प्रदान कीजिए। तो व्याकुल जो थे वो भयंकर गर्मी के कारण थे। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बनाई है? सुनहरी, काली, सफेद, विद्युत। तो कवि ने बादलों के हृदय में विद्युत छवि बनाई है। अगला प्रश्न है, पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? ऑप्शन है, हरी पीली, लाल पीली, हरी लाल, पीली भूरी। तो यहां पर जो आपके सही आंसर है वह है हरी लाल। कवि के अनुसार घर घर क्या भर जाता है? ऑप्शन है, धुआं, जल, फागुन मास की शोभा और वर्षा का पानी। तो आपका सही आंसर है फागुन मास की शोभा, यानी चारों तरफ जो फागुन मास यानी बसंत की शोभा होती है और वो घर घर में भर जाती है। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है नामक कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी है? उज्ज्वलता, शोभाश्री, रीतिमा और सुगंध। तो सही आंसर आपका है शोभाश्री, शोभाश्री यानी सुंदरता। मंद गंध पुष्पमाल का कारक धारक किसे कहा गया है? मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? आपके प्रश्न है, आपके जो ऑप्शन है, चैत्र, वैशाख, जेठ और फागुन। तो आपका जो आंसर सही है वो है फागुन, यानी फागुन के मास में बहुत अच्छे बसंत आता है, फूल खिलते हैं और उससे जो है मंद मंद जो है गंध फैलती है, यानी खुशबू पुष्पमालों की खुशबू फैल जाती है। तो सही आंसर है फागुन। तो यहां आपके ये जो दोनों कविताएं थी, उत्साह और अट नहीं रही है, इनके जो वैकल्पिक प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। आशा ही आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।